છોલે ભટુર હવે એ લોકો ખાતા હોય ના ખાતા કઈ કહેવાય નહી. ચાલુ છે ને? બરાબર છે. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, जल्दी जल्दी जुड़िए फिर हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे. अमूल पेज लाइव पे सबका स्वागत है. थैंक यू अमूल, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर सके. फटाफट जुड़िए सब. रेसिपी स्टार्ट करते हैं. आज हम बनाने वाले हैं फराड़ी मोहन थाल, क्योंकि अभी सावन का महीना आ रहा है, अधिक महीना आ रहा है, जो लोग उपवास करते हैं तो उनके लिए खास. फराड़ी मोहन थाल, उसके लिए चाहिए हमें फराड़ी आटा, जिसमें राजगीरा, सिंघाड़ा और भगर का आटा मैंने तीनों मिक्स करके एक बॉल यानी कि 200 ग्राम जितना लिया हुआ है. उससे आधी शुगर लेनी है, मैं 100 ग्राम जितनी शुगर ली है. घी है, अमूल का मावा है, अमूल का ही घी है, काजू बादाम का पाउडर है, इलायची है, और हमने केसर और थोड़ा सा कलर, फूड कलर दूध में भिगो कर रखा हुआ है. तो हम शुरू करते हैं. शुगर है, सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे. चाशनी बनाने के लिए शुगर लेकर खाली शुगर कोट हो जाए उतना पानी डालना है. और उसे हमें बॉईल होने देना है. इसकी हमें लचको मोहन थाल बनाना है, मतलब थोड़ा सा शीरा जैसा बनाना है. इसलिए हमें इसकी चाशनी थिक नहीं करनी, खाली थोड़ी सी चिपचिपी हो उतनी ही करनी है. शक्कर घुल जाए और हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए तब इतनी करनी है, क्योंकि हमें इसके पीस नहीं करने. आपको पीस करने हो तो आप एक से डेढ़ दाग की चाशनी बना करके पीस कर सकते हैं.
थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। लगभग 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे। ये देखिए बस इतनी ही चाहिए हमें। गैस स्लो करके उतार के साइड में रख देते हैं। बाद दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें घी लेंगे। घी अभी हम 50 से 60 ग्राम के करीब लिया है, पर जब जैसे भी हम आटा सेकते जाएंगे तो हमें लगेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम ऊपर से फिर घी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो गया, ये आटे हम फरारी आटा लेके हम इसे सेक लेंगे। थोड़ा घी और लगेगा, 1 चम्मच। पर ये आटे को मैंने पहले घी और दूध का मोयन लगा के आधे घंटा रख दिया था। उसको ब्रेड क्रम्स की तरह मसल के आधे घंटा तक छोड़ देने का, उसके बाद उसको हम मोहन थाल के लिए यूज करते हैं। थोड़ा और डालेंगे, मुझे सूखा लग रहा है। एकदम खुशबू आने लगेगी आप सेकते जाएंगे तब तक, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। भी 5 से 7 मिनट लगेगा सिकने में। हल्का सा ब्राउन कलर होगा तब तक हमें को सेकना है। मस्त सुगंध आने लगी है अभी यहाँ पे। धीमी आंच पे धीरे धीरे सेकना है, नहीं तो फिर वो जल जाएगा, तो जलने के बाद फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती। आराम से धीरे धीरे शांति से इसको सेकना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। शेरबानी जी पूछ रही है, व्हाट आर यू कुकिंग? फराड़ी लचको मोहन थाल बना रही हूँ।
सावन का महीना चल रहा है, लोग उपवास करते हैं, तो उपवास में ये बना के रख दिया, थोड़ा सा खा लिया तो एनर्जी भी रहती है। सादे मोहन थाल तो हम खाते ही हैं, पर हम कुछ नया ट्राई करने के लिए फराड़ी मोहन थाल बना रहे हैं। भगवान को भोग धराने के लिए भी चलता है। तो सुगंध आने लग गई है, हल्का सा कलर भी चेंज होने लग गया। कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। अभी ये से सीखते सीखते हुए हैं, हमने अमूल का मावा लिया है 50 से 60 ग्राम, वो भी इसी में ही डाल देंगे सेकने के साथ। मावे को भी साथ में अच्छे से सेंक लेना है। ये सारी प्रोसेस हमें स्लो आंच पर ही करनी है। जो हमने मिल्क और केसर मिक्स किया था और थोड़ा सा फूड कलर, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें गरम हमने जो चाशनी रेडी करी है वो धीरे से मिक्स करते जाएंगे। तब तक चलाना है, तब तक जो हमने घी डाला है वो थोड़ा सा छोड़ दे, कढ़ाई से घी छोड़ दे उतना। आप देख सकते हैं घी छूटने लगा है। अब इसमें काजू का पाउडर दरदरा पीस के और बादाम का पाउडर और इलायची सब डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें चाहे तो आप कलर ज्यादा यूज कर सकते हैं, मैंने हल्का सा चेंज कलर के लिए डाला है। अब गैस बंद कर देते हैं।
ये मूंग दाल रेडी है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। छोटे छोटे बॉल लिए हैं मैंने। इसमें 4 मगज के बीज जो हम ग्रेवी वगैरह में यूज करते हैं, मिठाई में यूज होते हैं, वो लगाएंगे। और ऊपर से चेरी के बीज। रोज पेटल आपको पसंद है तो आप रोज पेटल भी लगा सकते हैं। आपके लिए रेडी है फराड़ी लचको मोहन थाट। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। रेसिपी फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मोहन थाल के लिए फरारी लोट जिसमें भगर का आटा, राजगीरा का आटा और सिंघाड़े का आटा तीनों समान प्रोपोर्शन में लेके उसको घी से मोयन करके दबा के थोड़ी देर आधे घंटे तक रख देने का। उसके बाद उसको हाथ से मैश करके छान लेने का। छानने के बाद घी में उसको सेकना है, थोड़े से सुगंध आ जाए तब तक। घी में सेकने के बाद हमने जो चाशनी बनानी है उसमें 1 तार से भी कम खा, थोड़ी चिपचिपी चाशनी हो उतनी चाशनी बना के फिर उसमें मिक्स करना है। उसके अंदर केसर, दूध वाला केसर और मावा और काजू बादाम का पाउडर मिक्स करके हिला के आपका मोहन थाल रेडी है। थैंक यू। नेक्स्ट रेसिपी तक बाय बाय। Oh.